मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सोमवार की शाम को जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री सहित कई सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना है। भाजपा की दूसरी लिस्ट पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भाजपा की ताकत है, जिन्हें प्रदेश के चारों कोनों पर मुस्तैद किया। कल जो है एक रुको कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे, हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए, अभी तक 78 कितने होंगे, 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपने अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं और नई ऊर्जा के साथ नए नौजवानों को भी अवसर दिए हैं, हमारी बहनों को भी अवसर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को मैदान में उतार दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार करता हूँ, सभी प्रत्याशियों को जो पहले 39 हुए थे और फिर 39 घोषित हुए, सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ मैदान में उतर गए हैं। आप लोग ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो इस मध्य प्रदेश और देश की जनता को रावण कहता है, और ऐसे लोग कल लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं में जो जनता ने समर्थन दिया, और कल लाखों लाख आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ यहाँ हुआ, और वे सुरजे वाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है, मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है, ये मैं ऐसे व्यक्ति, वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूँ जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है इनके पास, इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई, मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, चलने फिरने की स्थिति नहीं है, फंसू कर निकल जाता है और बातें कर रहे पता नहीं कहां कहां की। तो इसलिए सुरजेवाला जी, बैरंग वापस जाओगे, कानू गोलू चले गए, एक और पहले कोई आए थे वो भी चले गए, ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है, जो कल प्रकटीकरण इस मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं ने दिया है। और भाजपा के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता, अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को तो दुनिया अप्रिशिएट करती है, दुनिया अप्रिशिएट करती है। ये सुरजेवाला की औकात क्या है, क्या ये किस खेत की मूली है ये? तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मैं कड़े शब्दों का उपयोग इसलिए कर रहा हूं, इसलिए बहुत इस विषय राकेश जी कुछ कह रहे हैं। राकेश जी, भारतीय भारतीय जनता पार्टी
अन्य दलों से अलग ही इसलिए है कि हम एक पद्धति पर काम करते हैं, विशिष्ट कार्य पद्धति का ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव लीडरशिप पर काम करते हैं हम, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो केवल कहने के लिए नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व जब निर्णय करता है तो सारी पद्धति के आधार पर ही करता है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, या किसी भी स्तर के हमारे जिम्मेदारी वाले कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व हमें काम देता है, मुझे काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम की जिम्मेदारी दी है, मैं उस काम को प्रयास कर रहा हूं बीच में नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो काम हमें देता है उस काम को हम करते हैं।